पूज्य महाराज, महाराज जी के बारे में आज शब्द नहीं निकला था हमारे शब्द। आज जो आप लोग चाह रहे हैं वो मैं नहीं दूंगा। आज मैं थोड़ा इमोशनल हो गया और आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए। पूज्य महाराज जी के हम प्रणाम करें, कहें कि ऐसे निस्वार्थ त्यागी जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी, ऐसे लोग सदियों में सदियों सदियों के बाद धरती पे अवतरित होते हैं। हम चाहब कि हमारे महाराज जी के लिए अंतरात्मा से गड़गड़ा के वो ताली बजे के चाहिए। और जितना मन में भाव है वो ताली बजते रहने चाहिए, शायद हम कम बात करेंगे। राजघाट जहां रामघाट महाराज जी बनौलन, आज हमारे वहां मंत्री जी महेंद्र जी आल बढ़न, उनके हम प्रणाम करब। हमारे विधायक गण लोगन के प्रणाम करब, हमारे साथी सांसद गण के हम प्रणाम करब। भारतीय जनता पार्टी के संगठन जो मंच पे बैठल बा उनके एक साथ प्रणाम करब, जो सामने सब बैठल हैं सब लोगन के गोड़ छू के प्रणाम करब। हिंदू युवा वाहिनी के जितने भी योद्धा बैठे हैं यहाँ पर और मंच पे, सबके प्रणाम करब। सारे लोगन के हर हर महादेव, सब लोगन के प्रणाम करब। नाम ना लेब कहें कि बहुत समय चल जाए, लेकिन सबके हमार दंडवत प्रणाम बा। देखा गुरु गोरक्षनाथ बाबा योगी महाराज जी का घाट पर, राम घाट पे आ गई बा। राप्ती नदी माई बहत अड़े, ये जा का होत रहे पूरा गांव के मालूम बा कि भोरे भोरे सब लोग आ जाते थे यहाँ। और राप्ती नदी माई के भी कितना दुख हो, और आज ये जो भव्य माहौल बनल बा, सोचिए यहां पर आपकी मृत्यु होगी तो डायरेक्ट स्वर्ग में जाओगे, यहां जब आप जलाए जाओगे कितना आनंद आएगा यहां जलने में। अत्याधुनिक है एकदम, और इलेक्ट्रिक वाला है तो भुगाई में टाइम ना लगी, डायरेक्ट चल जाइए हरार महादेव, स्वर्ग जाओगे। लेकिन स्वर्ग वही जाएगा जो सवेरे यहां पैखाना नहीं करेगा। ये जो करोड़ों रुपया फूका गया है, पूज्य महाराज जी हजारों करोड़ दे दिए, उत्तर प्रदेश के देवतारण, पूर्वांचल के देवतारण, सड़क से लेके हर चीज, कि वे एक निस्वार्थ त्यागी है जिनको कुछ नहीं चाहिए, जैसे हमारे प्रधानमंत्री वैसे हमारे योगी जी। जोन जोन हम राज्य में जाएगा सब हमके का कहानन मालूम हो, मैं तेलुगु फिल्म भी करता हूं, मैं हर भाषा में काम करता हूं, आपको पता है। हमको सब लोग जेन्युइनली बोलते हैं महाराज जी की तरह हमारे को मुख्यमंत्री चाहिए, हमारे प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री होना। अरे हम बोले महाराज जी के कितना रूप में कितना, उनका भाई एक ही महाराज जी है ना, हर राज्य में कैसे मुख्यमंत्री रहे। हम बोले हमारे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत जरूरी बा हो, कहे कि सब लोग, बहुत सारे लोग राम नाम की यात्रा पे चल गए, कुछ लोगों का सब कुछ समझ गया कितना शांति चल रहा है, देख नहीं रहे हो उत्तर प्रदेश में कितना कानून शांति, माफिया लोग पाताल में चले गए, नेपाल चले गए, ऊपर चले गए, बच्चे लोगों की पढ़ाई, फिल्म सिटी, रोजगार, हर चौमुख हर तरीके से आप सोचिए। और महाराज जी करते हैं, हम सोचिला कि आज हम एक चिट्ठी लिखी महाराज जी के, मालूम पड़ा अखबार में वो आ जाला कि अब ये महाराज जी ये भी बना रहे हैं। हम सोचते रहे कि ये सड़किया बोलब तब ले आ जाए, हम बोले आज पार्लियामेंट में आज ये बोलूंगा, ये ब्रिज खातिर बोलब महाराज जी वो सब। तो जब 24 घंटा महाराज जी आप लोगों के लिए दे दिए हैं तो आप लोगों का फर्ज है, क्योंकि आप लोगों ने भी महाराज जी पे भरोसा रखा।
तो महाराज जी के जो भरोसा बा और जो उनका सच्चाई बा बस वही के बरकरार रखा। महाराज जी को खाली क्या चाहिए पता है? क्या चाहिए महाराज जी को? क्या चाहिए महाराज जी को? क्या चाहिए? रिटर्न में चाहिए आप लोग शांति से रहें, रिटर्न में चाहिए आप लोग भैया महाराज जी के जब तक महाराज जी बाड़न तब ले उनके मुख्यमंत्री बना के रखे के बाद हमारे प्रधानमंत्री हमार पार्टी हमार भारतीय जनता पार्टी एगो बात कहती थोड़ा इमोशनल 2 मिनट और ले महाराज जी क्षमा चाहते हम ना देख पावती हो जा। मेरे गांव में मेरा गांव बड़ा पिछड़ा था, बनारस जौनपुर का बॉर्डर, वहां सड़क नहीं थी। महाराज जी के सरकार आई, जाके पूछ लिया केराकत में के उसे फोन करके, सड़क आई हो जा। आज हम यार देख के बहुत भावुक हो गए। हम कभी सोचने ला रहे हैं क्या कि हम जब बंबई में रहते थे सब लोग यूपी के बारे में बहुत गंदा बोलता था, हमको सब भैया बोलता था, वहां सबके लगत रहे कि यहाँ पे हत्या होती है या माफिया लोग रहते, जो कि सच था। यूपी के नाम पर कोई आना नहीं चाहता था। आज हर व्यक्ति यूपी के नाम पर आना चाहता है, हर व्यक्ति यहाँ शूटिंग कर रहा है, हर व्यक्ति यहाँ बिजनेस करना चाहता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ रही है। उत्तर प्रदेश का नाम आज पूरे देश में रोशन हुआ है सिर्फ और सिर्फ पूज्य महाराज जी की वजह से। आज ये आप देख रहे हो यही राप्ती नदी, यही गोरखपुर, और 3 साल में ये गोरखपुर ऐसा लग रहा है स्वर्ग में बैठे हो। पीछे देखो हर जगह जहां कैमरा रखो जहां नजरे जाए ये भाव है, ये निस्वार्थ भाव है देश के प्रति, निस्वार्थ भाव है कि लुटेरा नहीं है कोई। हमारे प्रधानमंत्री हमारे महाराज जी लूटने नहीं आए हैं इस देश को, ये सिर्फ देने आए हैं। ये सोच राष्ट्र को देने की, ये सोच मां भारती को देने की, ये सोच मानवता को देने की, यही सोच आज हमको सारा सब कुछ, हम नहीं तो हम कहां थे महाराज जी हमको ले आए, यही सोच हम यहां बैठल है। तो भैया हो ईमानदारी के वजह से महाराज जी काल ट्वीट पढ़े इनकर, ईमानदारी का रास्ते में बहुत बहुत मजा है, जीवन में बहुत बनवा हो, ईमानदारी का रास्ता रखा, मानवता रखा, मां भारती से प्रेम करा, तिरंगा से प्रेम करा, भोलेनाथ से प्रेम करा, गोरक्षनाथ बाबा से करा, महाराज जी से प्रेम करा, बस यह कहा हाँ।